भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के द्वारा संथाल, प्रगना, बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों को मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश गठित किए जाने की मांग के विरोध में मंगलवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा लोहरदगा जिला अध्यक्ष मुजम्मिल अहमद के नेतृत्व निर्देशन में समाहरणालय एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। झामुमो जिला अध्यक्ष अहमद ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा झारखंड को विभाजित करने की कोशिश कर रही है। जिला अध्यक्ष ने भाजपा को चुनौती देते हुए कहा कि बीजेपी के हर नापाक इरादों को कभी भी सफल नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बढ़ते जनाधार को लेकर भाजपा हाशिए में जा पहुँचा है। विकासशील पुरुष मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झामुमो के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी कर खुद जनता को गुमराह कर रही है। झामुमो जिला अध्यक्ष मुजम्मिल अहमद ने कहा कि भाजपा के अनर्गल बयानबाजी से प्रतीत होता है कि झारखंड की एकता और अखंडता को खंडित कर यहां की आपसी भाईचारे को तोड़कर लोगों को लड़वाया जाए, लेकिन झारखंड की जनता भाजपा की हर नापाक सोच को समझ चुकी है। आने वाले विधानसभा चुनाव में झारखंड की जनता करारा जवाब देने के लिए तैयार है। करने का कारण है कि भाजपा अपने गलत नीति से बाज नहीं आ रहे हैं। भाजपा अपना हैसियत जान रहे हैं कि आने वाला समय में हमारा सुपड़ा साफ होने जा रहा है, इसके लेकर तरह तरह का बयानबाजी कर रहे हैं। जिस तरह से हेमंत सोरेन झारखंड को संवारने में लगे हैं, झारखंड के लोगों का वहाँ उद्धार कर रहे हैं, जो वादा के साथ में वहाँ चुनाव लड़े थे, आज वादा पूरा करने का काम कर रहे हैं।